नूरपुर के आर्य डिग्री कॉलेज में विद्यार्थी परिषद द्वारा कॉलेज स्टाफ की कमी को लेकर हड़ताल की गई है। कॉलेज को बंद रखा गया, परंतु मांगों का हल न होता देख विद्यार्थी परिषद ने प्रेस वार्ता की। नगर अध्यक्ष रवि ने प्रेस वार्ता में कहा कि कॉलेज में स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है, जिस कारण बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर 5 दिन के अंदर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो विद्यार्थी परिषद भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा। भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि कॉलेज में स्टाफ की कमी को तुरंत पूरा किया जाए। आई डिग्री कॉलेज में 2 दिन हमने कंटिन्यू स्ट्राइक की, जिसका हमें अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला। तो हम प्रदेश सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे कॉलेज में जल्द से जल्द टीचर आए, और हमारे कॉलेज की ऐसी स्थिति खराब हो गई है जहाँ पे टीचर बिल्कुल नहीं, बच्चे इतनी दूर से किराया खर्च के अनुपुर कॉलेज में आते हैं, बट उनको आगे यही मिलता है कि जहाँ पे क्लासेस लग रही है जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। हमारे कॉलेज में बिल्कुल 6-7 टीचर हमारे कॉलेज में नहीं है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 2 दिन कंटिन्यू स्ट्राइक किया, उसका अभी तक कोई परिणाम हमें अभी तक नहीं मिला। तो विद्यार्थी परिषद ने प्रिंसिपल महोदय जी के पास एक ज्ञापन दिया, जिसका 5 दिन का हमें उनको टाइम दिया कि उन्होंने बताया कि 5 दिन के अंदर अगर आपकी कार्रवाई पूरी नहीं होती तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भूख हड़ताल पर कंटिन्यू बैठेगी, और उनका जो भी भूख हड़ताल पर बैठेगी 5 दिन कंटिन्यू चलेगा, 5 दिन के बाद कंटिन्यू, उसके बाद हमारी भूख हड़ताल चलेगी। और हम प्रदेश सरकार से और कॉलेज प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारे कॉलेज का जो स्टाफ है वो जल्द से जल्द पूरा हो, और आने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य ना खराब हो। जी मैं सभी से आग्रह करूंगा और प्रदेश सरकार से यही मांग करूंगा कि वो जल्द से जल्द हमारे नूपुर कॉलेज में स्टाफ जो कमी है उसको पूरा किया जाए।